गाइस, दिस इज तनु एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम वेरी बैड इन हिंदी बट स्टिल आई एम ट्राइंग फॉर यू गाइस। देखो, मुझे आप लोगों से आज कुछ शेयर करना है और वो ये है कि मेरा चैनल जो है वो फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल के ऊपर है। मैं फैशन के वीडियोस डालती हूँ, फिटनेस के वीडियोस डालती हूँ, फिटनेस रिलेटेड कोई रिव्यू हो, कोई प्रोडक्ट के रिव्यू हो, वो सारे चीजें भी डालती हूँ। तो वो सब ठीक है बट मुझे ऐसा लग रहा है करीब 6 मंथ्स हो गए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, पर फिटनेस के जो वीडियोस है ना वो ठीक से चल नहीं रहे। मतलब व्यूज नहीं आते हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं, फिटनेस के वीडियोस से सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे कुछ आप लोगों से कुछ पूछना है, वो ये है कि बात क्या है, आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विथ फिटनेस। नहीं मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि मैं एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ, मेरे प्रेजेंटेशन और मेरे डेकोरेशन, इन सारी चीजों में खामियां रहती होगी, शायद उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती होगी, पर मैं वर्कआउट की बात कर रही हूँ, वो सब चीजों की नहीं। मैं फॉलो अलोंग वर्कआउट अपने चैनल पर देती हूँ जो बहुत कम मिलते हैं। इंडियन फिटनेस जो यूट्यूबर्स है, बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे इंडियन फिटनेस पर जो फॉलो अलोंग वर्कआउट्स डालते हैं, और मैं वो करती हूँ, और मतलब मैं वो करना चाहती हूँ। मुझे फिटनेस बहुत ज्यादा प्यार है मुझे फिटनेस से, वर्कआउट से, क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड रहे हैं वो मतलब बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। फ्यू इयर्स बैक मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट रह चुकी हूँ, अराउंड 85 kg, एंड आई एम अ मदर ऑल्सो। सो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रगल करके और बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैंने ये वेट लॉस किया है और मसल गेन किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्कआउट करना, और मैं चाहती हूँ आप सभी लोग, देखो ये जो सिचुएशन अभी चल रही है वो बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है ऑलरेडी। तो आप चाहे कितनी भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, कुछ भी हो, मतलब कितनी भी अच्छी डाइट ले रहे हो आप, वो सफिशियंट नहीं है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो, तो थोड़ी बहुत वर्कआउट करना तो बहुत जरूरी है। चाहे वो दिन में 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो, जैसे भी आप अफोर्ड कर सकते हो, आप अपने हिसाब की कोई भी टाइम चूज कर लो। और प्लीज मुझे बताओ कि आप लोग कैसा वीडियो देखना चाहते हो, वर्कआउट वीडियो कैसा देखना चाहते हो, किस तरह की वर्कआउट्स मैं अपने चैनल पर डालूंगी, तो आप लोग उसे फॉलो करोगे, आप लोग उसे करोगे। देखो मैंने ये जो चैनल स्टार्ट किया था ना, उसका मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि मैं इस चैनल के थ्रू इनकम करूं या कुछ ऐसा, कोई मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था इस चैनल स्टार्ट करने के पीछे। मेरा मोटिव ये था कि जो मेरा स्ट्रगल रहा है, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर ऑल दोज स्ट्रगल्स, ऑल दोज ट्रिक्स एंड एवरीथिंग विद यू। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू। तो मैं अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ लाइक्स भी आए, पर व्यूज उतने सारे नहीं आए, पता नहीं क्यों। ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो जब लोग डालते हैं भाई साहब, इतना वायरल होते हैं वो, पूछो मत। मैं खुद देख चुकी हूँ कि कोई बंदा इतना पतला था उससे इतना ज्यादा मसल बना लिया, कोई बंदी इतनी ज्यादा मोटी थी उससे श्रिंक कर गई, वेट लूज कर लिया उसने कुछ महीनों में। और ये जो फंडा है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। 85 kg और 90 kg और 75 kg जिसका वेट रहा है, वो कैसे 1 महीने में 2 महीने में ये वेट लूज कर रहा है, वो तरीका सही हो नहीं सकता, बिल्कुल हो नहीं सकता।
क्योंकि आप जब ऐसे वेट लूज करते हो ना धराम से फटाक से, तो वो आपके हेल्थ पर बहुत ज्यादा बुरा असर करती है और वो असर आपको लॉन्ग टर्म पर जाके देखने को मिलता है। आप जब वेट लूज कर लेते हो तब आपको लगता है वाओ व्हाट आई हैव डन सी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई भी अच्छी चीज हासिल करनी हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी चीज हो, अगर आप किसी चीज में सच में कामयाब होना चाहते हो ना, तो आपको उसके लिए लगा रहना पड़ता है। लगन होनी चाहिए आप में, वो मोटिवेशन होनी चाहिए, वो लगाव होना चाहिए उस काम से। देखो आज 6 months हो गए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, पर अभी तक मेरे चैनल पर वो ग्रोथ नहीं है। मुझे तो कभी कभी रोना आ जाता है यार, क्यों है ऐसा। मैं फैशन एज अ बिगिनर मैं देखती हूँ, बहुत सारे फैशन वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस देखती हूँ, तो बहुत सारे रिव्यूज देखती हूँ फिटनेस प्रोडक्ट्स की, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, पीनट बटर हो, वे प्रोटीन हो। मैं खुद बना चुकी हूँ ये वीडियोस, तो मैं जिन लोगों को देखती हूँ वो उसमें उनमें से कुछ लोग तो ठीक से बात भी नहीं कर सकते, ठीक से बोल भी नहीं सकते, बस पैकेट दिखा रहे हैं आपको, वहां लेबल्स पर जो लिखा है वो आपको चिपका है, वो आपको पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, और हो गया भाई साहब रिव्यूज हो गया, उसका क्या उपकारिता है, उससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है, वो चीज अच्छा है कि अच्छी है कि नहीं, सॉरी प्लीज बेयर विद मी। तो नहीं, हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वीडियोस तो कमाल के होते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो उन लोगों से तो मैं सीख रही हूँ, सीखना चाहती हूँ और आगे भी सीखती रहूंगी, चाहे वो वर्कआउट वीडियोस हो, फैशन वीडियोस हो। तो मुझे प्यार है इस काम से, इसीलिए मैं करती हूँ। तो आप बस मेरी ये भावनाओं को समझो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे कमाई करने के लिए और फेमस होने के लिए बैठी हूँ। मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही अब जो मुझे शौक हुआ और मैंने चैनल खोल लिया, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो जर्नी रही है और रहा है व्हाटएवर, तो मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ हर दिन हर पल मेरे हर वीडियोस में। तो ऐसा है कि मुझे आप लोग प्लीज बताओ कि आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हो। अब देखो मैं व्लॉग नहीं कर सकती, जब भी मैं कैमरा ऑन करके बैठती हूँ और कुछ अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ ना, ऐसा हो जाता है कि मैं मम्बलिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक से बोल नहीं पाती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या कहना है, आप लोगों से क्या शेयर करना है, पर होठों पे आके रुक जाती है। सो मैं सिंस माई चाइल्डहुड मैं बहुत ज्यादा कम बातें करने वाली बच्ची रही हूँ। सो मुझे पता नहीं कि कैसे, पर मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जरूर करूंगी अगर मेरी माँ की आशीर्वाद बनी रही मुझ पे। वो अब नहीं है मेरी जिंदगी में, पर आई फील कि वो मेरे आसपास हमेशा रहती है और उसकी आशीर्वाद के वजह से ही मैं जो करती हूँ वो कर पाती हूँ। बस मुझे ऐसे ही चलते रहना है और आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करो, आप लोग बताओ कि किस तरह की वर्कआउट वीडियोस, किस तरह की फैशन वीडियोस आप देखना चाहते हो। बस कोई गंदा कमेंट मत करना, कोई कोई चैनल सब्सक्राइब कर लेता है और बाद में जब एक आध वीडियोस उनको पसंद नहीं आती है ना, इतनी गंदी कमेंट्स करते हैं वो लोग कि पूछो मत, आंसू आ जाते हैं। आई हेट ऑल दिस थिंग्स, वी ऑल हेट ऑल दिस थिंग्स। हम यहाँ पे यूट्यूबर्स हम कुछ क्रिएट करते हैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हम लोग अपने जर्नी शेयर करते हैं आप लोगों से, अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस, अपने डेली लाइफ सब कुछ शेयर करते हैं। तो आप लोग प्लीज
कुछ अच्छा ना कह सको, हो सकता है ये जो वीडियो मैं डालूंगी जब आप ये देखोगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या है, क्या बोल रही है, क्या है मतलब। ठीक है, हर चीज हर किसी को पसंद आए ये जरूरी नहीं, पर प्लीज किसी को डिसलाइक करके, किसी को गंदा कमेंट करके उसे डिसरेस्पेक्ट मत करो, प्लीज उसे डीमोटिवेट मत करो। हम जब कोई नई काम शुरू करते हैं ना, बहुत लगन से, बहुत प्यार से, बहुत चाह से करते हैं। आप उसे सपोर्ट ना कर सको पर उसे डिस्करेज मत करो। प्लीज मेरी आप सभी लोगों से, सभी लोगों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी, उन सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक डिसलाइक, एक गंदी कमेंट उसे तोड़ सकता है, उस बंदे को या उस बंदी को, ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप किसी के हाथ थाम नहीं सकते तो उसके मुंह पे लात मत मारो यार, उसे जाने दो। वो कहीं और से प्यार जरूर पा सकता है और पा सकती है, तो ऐसा मत कीजिए। और प्लीज सब्सक्राइब अगर करते हो ना, बाद में जाके अनसब्सक्राइब करके दिल मत तोड़ो यार। आप तभी सब्सक्राइब करो जब आपको चैनल पसंद आए, उस बंदे की काम पसंद आए, उसको पसंद आए, तब करो जाके। कोई हाथ जोड़ रहा है इसलिए कर दिया, फिर बाद में जाके अनसब्सक्राइब कर दिया, इससे और भी ज्यादा परेशानी होती है हम लोगों को। ये मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है ये। मेरे जैसे लाखों करोड़ों परे हैं, भरे परे हैं, बिगिनर यूट्यूबर्स, छोटे यूट्यूबर्स जिनके नाम दो एक लोगों से ज्यादा किसी को नहीं पता, पर वो सब, उन सभी की तरफ से मेरी आप सभी को ये रिक्वेस्ट है, ऐसा प्लीज कुछ मत कीजिए जिससे उसको डिस्करेज होना पड़े, उसको खराब लगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मत देखिए, आप लाइक मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, पर जब करते हो ना तो दिल से करो यार, ऐसे बस दिखावे के लिए मत करो। दो दिन बाद एक वीडियो आया, नोटिफिकेशन आया, आपको अच्छा नहीं लगा और आपने अनसब्सक्राइब कर दिया या कोई भद्दी सी कमेंट कर दी, ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो प्लीज। और एक बात है, मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज मुझे बताइए कि किस तरह की फिटनेस वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हो। मैं आई ट्राई माई बेस्ट, मैं मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी उस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करने की। बस एक ही प्रॉब्लम है और वो है कि डाइट, ये डाइट का जो मामला है ना, जो कोई भी बंदा वर्कआउट नहीं करना चाहता उसका बस एक ही टारगेट होता है कि उसे एक अच्छा डाइट चाहिए। मैम डाइट बता दो, मतलब क्या खाऊं जो मेरा वेट उतर जाए, मेरा वेट लूज हो जाए या वेट गेन हो जाए, वट एवर, जैसे जिसकी गोल है। पर एक बात मैं शेयर करना चाहती हूं, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है और वो ये है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आपको कैलोरी ज्यादा इंटेक करनी है आपकी रिक्वायरमेंट की, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो बस इतनी सी बात है और आपको माइक्रोज और मैक्रोज पे भी थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बस इंडियन खाना खाओ जो आपको घर पे रोज मिल रहा है, दाल चावल रोटी सब्जी नॉन वेज कोई भी जो आप रोज खाते हो, आपके घर में बन रही है वो खाओ, पर उसे आप ट्रैक करो, ट्रैक करना शुरू करो, ट्रैक करके खाओ। बाद में आपको ये हिसाब लग जाएगा कि आपको क्या कितनी डेफिशिएंसी हो रही है और कितनी करनी चाहिए, आप लोग आइडिया मिल जाएगा। मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग मुझसे ये चाहते हो तो। कमेंट करके बताओ किस तरह की वीडियोस मैं बनाऊं फिटनेस के ऊपर, स्पेशली मैं आज कह रही हूं फिटनेस के ऊपर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वर्कआउट वीडियोस डालने से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बंदी की जर्नी क्या रही होगी, कहां से ये क्या कहां तक आ चुकी है। तो
प्लीज गाइस, आप लोग मुझे थोड़ा सा प्यार दो, थोड़ा सा सपोर्ट करो। जो आपको अच्छा लगे आप मुझे कमेंट करो। अगर मेरे लिए वो मुमकिन रहा, पॉसिबल रहा, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी वो सारी वीडियोस। बस बताते रहो और मुझे थोड़ा हेल्प करो ग्रो करने में, बहुत सारे लोगों तक पहुंचने में मुझे हेल्प करो प्लीज़। एंड पता नहीं फिर कभी अगर मुझे आप लोगों से इतनी सारी बातें करने की इच्छा होगी, अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, मुझे बताओगे कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं। देखो मैं हिंदी में बहुत बुरी हूँ, आप समझ चुके हो ऑलरेडी, आई एम अ बेंगोली गर्ल, सो बांग्लाए कथा बोलते हैं आमी बेशी भालो पारी, दैट्स इट। तो बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और बताइए मैं क्या करूँ, किस तरह की वीडियोज बनाऊं, फैशन, फिटनेस, लाइफस्टाइल, क्या देखना चाहते हो आप, किस चीज पे आपको इंटरेस्ट है। बस कोई ऐसा एक कमेंट आया था रिसेंटली मुझे, आप कोई कॉमेडी करके दिखाओ, एक्टिंग करके दिखाओ। नहीं होगा भाई साहब मुझसे ये सब। इम्प्रेस करने के लिए और या फिर ग्रोथ बढ़ाने के लिए, व्यूज लाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा टारगेट फिक्स है और वो ये है, फैशन, फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। मुझे इन तीन चीजों से प्यार थी, है और रहेगी। सो आई विल वर्क ऑन दिस थ्री थिंग्स, सो प्लीज हेल्प मी आउट एंड मुझे आइडियाज दो क्या करूं मैं। और या अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो सब्सक्राइब मत करना, दैट्स इट। तो और एक बात, मैं सोच रही थी कि हर रोज एक 4 या 5 मिनट्स की एक वर्कआउट वीडियो डालूं रोज सुबह, ताकि आप वो वीडियो, आप जब नींद से उठो और अपने मोबाइल पर वाईफाई ऑन करते ही आप लोग को वो नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये वीडियो आ चुकी है, वर्कआउट की वीडियो। रोज एक नए तरह की वीडियो, लेकिन मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स और मैक्सिमम 10 मिनट्स की वीडियो मैं डालना चाहती हूँ रोज। हर सुबह आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक्सेप्ट 2 डेज, 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं हम लोग, सैटरडे संडे टाइप कोई, क्योंकि वीकेंड इज वीकेंड, तो मस्ती करना भी बनता है। पर अगर आप लोग को ये आइडिया पसंद आया है तो मुझे बताना, मैं जरूर डालती रहूंगी हर सुबह एक शॉर्ट वर्कआउट वीडियो, जो आपको करने में मजा भी आए और आप वो वीडियो ऑन रखे मेरे साथ कीजिए। फॉलो अलोंग का मतलब ही ये है कि आप वो वीडियो चला कर रखिए और मैं जब रेस्ट कर रही हूँ आप तब रेस्ट कीजिए, मैं जब वर्कआउट स्टार्ट कर रही हूँ आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। आप पॉज करके देख लीजिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि कोई भी मॉडिफिकेशन आपको चाहिए वर्कआउट पे, कोई भी अलग टाइप का कुछ चाहिए, तो मुझे बताइए, प्लीज बताइए, कुछ बताइए। मैं आप लोगों की बातें सुनने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई अच्छा कमेंट करता है, मतलब अच्छा कमेंट भी बहुत आते हैं। कोई कोई सब्सक्राइबर्स है मेरे जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं, मुझे अच्छे कमेंट करते हैं, चाहे वो वीडियो उतनी ज्यादा अच्छी ना भी हो, फिर भी ये लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही बस प्यार देते रहिए, क्योंकि मैं कोशिश करती रहती हूँ, मैं पूरा दिन सोचती रहती हूँ कि ऐसा किस तरह की वीडियोस बनाऊं जो आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोग वर्कआउट करो। वर्कआउट के थंबनेल देखकर ही मेरे आधा जो सब्सक्राइबर्स है ना, वो वीडियोस चलाते ही नहीं है। एक तो सब्सक्राइबर्स इतने कम है भाई साहब, इतने कम है पूछो मत। ऊपर से जो भी है, जितने भी है, उनमें से आधे लोग भी नहीं देखते। क्यों करते हो आप लोग ऐसा? मतलब ऐसा मत करो, सिर्फ मेरे लिए नहीं, छोटे छोटे वर्कआउट वीडियोस डालती हूं मैं, वो कर लिया करो मेरे साथ। मैं बता रही हूं ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। सिचुएशन देखो आप, अस्पताल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की घाटा हो रही है, मतलब हम सब खड़े हैं।
बस जाने के लिए। इसमें एक यही है कि आप सारे प्रिकॉशंस मेंटेन करो, सावधानी बरतो, जितनी हो सके घर से कम बाहर निकलो, जितना हो सके घर पर रहो, अपने देखभाल करो, अपने फैमिली मेंबर्स की टेक केयर करो, और प्लीज खुद भी करो और अपने घर के सारे मेंबर्स को भी कहो थोड़ी सी वर्कआउट करने के लिए। आप दिन में 10 मिनट या 15 मिनट अगर वर्कआउट कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, तो इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके लिए अच्छा है, आप फायदे में रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, समझो इस बात को। मुझे तो अभी डिपेंड होता है कि मैंने 10 साल पहले अगर ये बात, आई नो 20 साल पहले अगर ये बात समझ गई होती तो ज्यादा अच्छा होता ना, तो या पर क्या करें। चलो शुक्र है मैं समझ गई और मैं करती हूँ। मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी हमेशा मोटिवेट करती रहती हूँ, करो कुछ करो। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, वो भी सभी बच्चों के जैसी बहुत नॉटी है, करना नहीं चाहती, पर मैं उसे भी पुश करती रहती हूँ मजे मजे की बातों से, ऐसे करके डांसिंग वगैरह के थ्रू करवाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो मुझे पता है वो तो मेरे ट्रैक पे आ ही जाएगी, मैं जो हूँ यहाँ पर आप लोग भी कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सभी ने अपने हेल्थ पर ध्यान दिया, अपने फिटनेस पर, अपने डाइट पर, सिर्फ डाइट पर नहीं, थोड़ा वर्कआउट भी कीजिए। अब तो जिम बंद है, सो आप जिम से दूर ही रहिए तो ही अच्छा है। अभी घर पर कीजिए, फ्री हैंड्स कीजिए घर पर। हम कितने सारे एक्सपेंसेस करते रहते हैं, 2 or 3 पेयर्स डंबल खरीद लीजिए घर पर, तो ऐसा कुछ आपके बैंक बैलेंस बिगड़ नहीं जाएगा अगर आप कुछ खरीद लेते हो अपने वर्कआउट करने के लिए। जितना बन पड़े आपसे, घर पर रहो, वर्कआउट करो, अच्छा खाना खाओ और सारी प्रिकॉशंस मेंटेन करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ एक नए स्टोरी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा।